गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। टुडे इन मनी चैप्टर वी विल लर्न अबाउट कन्वर्जन ऑफ रुपीज इनटू पैसे, कन्वर्जन ऑफ रुपीज एंड पैसे इनटू पैसे। वन रुपी इक्वल टू 250 पैसे मीन्स वन रुपी इक्वल टू 100 पैसे। वन रुपी इक्वल टू 425 पैसे मीन्स वन रुपी इक्वल टू 100 पैसे। तो एक रुपये में कितना पैसा होता है? 100 पैसा होता है। नाउ लेट्स सी, वन रुपी में 1 × 100 किया 100 पैसे, 5 रुपी में 5 × 100 इक्वल टू 500 पैसे। इसी तरीके से 2 रुपीज में 200 पैसे, 3 रुपीज में 300 पैसे एज इट इज। नाउ लेट्स सी सम क्वेश्चंस ऑन द टॉपिक ऑफ कन्वर्जन ऑफ रुपीज इनटू पैसे। सो रुपीज 49 है, हमको इसको पैसे में कन्वर्ट करना है। तो आपको पता है व्हेन वी कन्वर्ट रुपीज इनटू पैसे वी ऑलवेज मल्टीप्लाई विद 100। सो 49 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से। देन वी गेट 4900 पैसे। 49 को 1 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे 20 है, यू राइट 20 ऑन द राइट साइड, इट कन्वर्ट इनटू पैसे 4900 पैसे। नाउ लेट अस टेक अनदर एग्जांपल ऑफ कन्वर्जन ऑफ रुपीज इनटू पैसे। रुपीज 32 है, यू हैव टू कन्वर्ट दिस रुपीज इनटू पैसे और यू कन्वर्ट एंड यू मल्टीप्लाई विद 100। 32 मल्टीप्लाई विद 100 इट विल कन्वर्ट इनटू पैसे 3200 पैसे। 32 वन्स आर 32 एंड टू जीरोस ऑन राइट साइड, यू राइट 3200 पैसे। कन्वर्जन ऑफ रुपीज एंड पैसे इनटू पैसे। पहले आप क्या करते थे? रुपीज को पैसे में कन्वर्ट करते थे। अब आपको क्या करना है? रुपीज एंड पैसे दोनों दिए हैं, आपको पैसे में कन्वर्ट करना है। लेट्स सी वन एग्जांपल, रुपीज 15 एंड 18 पैसे। तो आपको पता है रुपीज को पैसे में कन्वर्ट करने के लिए व्हाट यू डू, व्हाट वी डू, वी मल्टीप्लाई विद 100। सो 15 मल्टीप्लाई विद 100 इट बिकम पैसे। व्हेन वी मल्टीप्लाई विद 100 इट विल कन्वर्ट इनटू पैसे प्लस 18 पैसे, हमको पैसे में कन्वर्ट करना है। 18 ऑलरेडी पैसे में है तो हम इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम एज इट इज इसको लिख देंगे। अब जब हमने 15 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आएगा? 15 मींस 1500 पैसे और 20 यहाँ पे 20, 1500 पैसे प्लस 18 पैसे। अब आप देखिए यहाँ पे 1500 में 20 है और यहाँ पे 2 डिजिट भी है। जब भी हम किसी भी नंबर को 0 में प्लस करते हैं वही नंबर आता है, मींस 0 के प्लेस पे क्या हो जाएगा? 18 मींस 1518 पैसे, मींस 1518 पैसे। नाउ इट इज प्रैक्टिस टाइम, एक्सरसाइज 9A, पेज नंबर 110। क्वेश्चन 3, एक्सप्रेस द फॉलोइंग अमाउंट ऑफ मनी इन पैसे। ए रुपीज 19, बी रुपीज 39। चलिए देखते हैं आप कैसे करेंगे। जब भी हम रुपीज को कन्वर्ट करना रहता है हमको पैसे में तो हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं? व्हाट वी डू, फ्रॉम विच नंबर वी हैव टू मल्टीप्लाई? आंसर 19 मल्टीप्लाई बाय 100 मींस 1900 पैसे। इसी तरीके से आप 39 को भी मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, 24 को भी करेंगे, डी रुपीज 99 को भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ई रुपीज 102 को भी मल्टीप्लाई करेंगे, इसी तरीके से एफ देखिए यहाँ पे रुपीज भी दिया है पैसे भी दिया, आपको इसको पूरा पैसे में करना है। तो आपको पता है रुपीज को जब हम पैसे में करते हैं किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, और पैसा ये ऑलरेडी पैसे में ही है तो इसको हम सिर्फ ऐड कर देंगे। इसी तरीके से जी एंड एच, चलिए एक हम करके दिखा देते हैं। 113 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से और प्लस 14 पैसे, क्योंकि इसको कन्वर्ट नहीं करना, ये ऑलरेडी कन्वर्ट है पैसे में। अब 113 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 113 एंड 20 है राइट साइड 100 में, हम 20 लिख देंगे पैसे प्लस 14 पैसे।
अब यहाँ पे देखिए 11,300 में टू जीरो भी है और यहाँ पे प्लस करना है 14 पैसे। 14 पैसे में 14 टू डिजिट नंबर है। जब भी हम किसी भी नंबर में जीरो ऐड करते हैं तो वही नंबर आता है, मीन्स जब हम इसको और इसको ऐड करेंगे तो जीरो के प्लेस पे क्या हो जाएगा, 1 and 4 हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या आएगा, 11,314 पैसे। ये कन्वर्ट हो गया पैसे में, हमने 14 को सिर्फ ऐड किया है। इसी तरीके से आपको जी और एच भी करना है। आई होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ कन्वर्जन ऑफ रुपीज इनटू पैसे। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो विद नेक्स्ट कंटेंट ऑफ मनी। टिल बाय, थैंक यू।